मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन कत्यूरा, बेसिकली पालपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ रेशम की खेती, यानी रेशम उत्तराखंड में रेशम जो है का भी उत्पादन होता है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्र में कुछ गांव है जो है वो नया नया काम कर रहे हैं रेशम का। तो उसमें पालपुर में सबसे पहले रेशम जो है पालपुर में आया था। 2016 से इस काम को हम कर रहे हैं। शुरुआत में पेड़ पौधों की कमी थी और आज काफ़ी जो है शहतूत के वृक्ष हैं रेशम उत्पादन के लिए, और पालपुर के अंदर एक प्लांट भी लगाया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रेशम के कीड़े होते हैं, पहले वो सूक्ष्म रूप में होते हैं जो कम से कम 5 mm 10 mm, उसके बाद बढ़ते जाते हैं, ग्रोथ होते डे बाई डे ग्रोथ होती है। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रेशम के ऐसे ट्रे होते हैं, ट्रे में जो है रखा हुआ है, ये रेशम के कीड़े हैं। पत्ते ये जो है खा रहे हैं, आप देखिए पत्ते को, एक कीड़ा मैं जरा जूम करके दिखा रहा हूँ कैसे आप जो है पत्ते को कुतर रहा है। और अभी ये इनका लास्ट स्टेज चल रहा है, अभी कुछ ही यानी घंटों के बाद रेशम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए सामने और भी ट्रे रखे हुए हैं। थोड़ा सा विभाग ने हमें जो ये कीड़े प्रोडक्ट जो हमें दिया है, इक्विपमेंट की कमी है, इक्विपमेंट विभाग ने दिया नहीं है। थोड़ा सा ट्रे और कीड़े लाके यहाँ पर रख जाते हैं, थोड़ा लापरवाही ही कहूँगा मैं उसको विभाग की। और कहने के बावजूद, कई बार कहने के बावजूद इनका रेट भी हमें अच्छा नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं इनके लिए। तो आप देखिए ये हमने कीड़े रखे हुए जो अभी पत्ते खा रहे हैं, और ये हमने इनको नेट में जाल में जो है डाल दिया है ताकि रेशम का उत्पादन करें। और मैं आपको आगे ले चलूँगा रेशम उत्पादन की ओर भी। ये कीड़े हैं भी और ये जाल में जा रहे थे यार। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रेशम के कीड़े जो आप देख रहे हैं सामने दीवार पे, ये रेशम बनाने की तैयारी पे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं। और ये देखिए जो रेशम बनाने के लिए तैयार है बिल्कुल, ये देखिए। अब ये लास्ट घास भी नहीं, जो है जो घास जो इनको भोजन होता है वो भी नहीं खा रहे हैं, और ये सामने अपने जो है मूवमेंट कर रहे हैं, और जिस तरह मूवमेंट कर रहे हैं इससे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने एक ट्रे तैयार किया, इसके ऊपर हम जाल जाल दिखाऊंगा, ये जाल है, ये जाल यहाँ पर लगेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि रेशम जो है जो हमने नया जहाँ पर रखा हुआ है उसके वो भी बताऊँगा, जहाँ पर इनके जाल रखे हुए हैं। ये देखिए ये है रेशम बन चुका है। अब देखिए ये गोले बन चुके हैं, ये ट्रे के अंदर जो हमने ऊपर से आप देख रहे हैं कुछ कीड़े भी अभी हैं जो अभी थोड़ा सा परिपक्व नहीं हुए हैं, वो बना रहे हैं, और कुछ बन चुका है। ये सारे ट्रे रखे हुए हैं। थोड़ा सा मैंने पहले बताया था इक्विपमेंट की कमी के कारण हमें ट्रे रैक की जो है नहीं मिले जो विभाग की तरफ से, तो इस वजह से हमने ये एक कमरे में इनको रखा हुआ है। और ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमने ये रेशम बन चुका है, और मैं आपको अभी एक गोला निकाल के भी दिखाऊंगा इसमें से। अब देखिए ये रेशम बन चुका है, ये जो है अभी रेशम जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये कीड़ा कैसे बनाता है रेशम। अभी आपको ये भी दिखाऊंगा, इसकी भी प्रक्रिया दिखाऊंगा। ये रेशम हमारे यहाँ नेट पर कंप्लीट हो चुका है, ये रेशम बन चुका है, और ये अभी तैयारी है। कुछ कीड़े हैं आप देख रहे हैं जो बिल्कुल तैयारी में, और कुछ ही शाम तक ये भी ऐसी जो है गोले के रूप में अंदर बंद हो जाएंगे। अभी देखिए कहाँ पे, जहाँ पे इनको जगह मिलती है वहीं पे ये रेशम तैयार कर लेते हैं। अब देखिए रेशम के ये गोले हैं, इस तरह रेशम तैयार किया जाता है। कुछ ही दिनों बाद जब ये सूख जाएंगे तो हम इनको फिर इनकी प्रक्रिया रेशम निकालने की होगी कोकोन की। और मैं आपको दोबारा एक बार दिखाता हूँ किस तरह से हमने यहाँ पे रेशम का वो किया हुआ है। आप देखिए एक बारी मैं एक गोला हाथ में लूँगा निकाल के, ज़रा सा इसी गोले को लेता हूँ। ये देखिए रेशम अंदर से बन चुका है, ये बाहर एक कीड़ा जो है उसको लगा हुआ है, ये डबल गोला बनाएगा, और ये है रेशम। और इसके साथ में एक दूसरा भी है, देखो मैंने यहाँ से उठाया था, इसके बगल में एक दूसरा गोला भी बनाया मैंने।
ये जो आप कीड़ा देख रहे हैं इधर उधर घूम रहा है ना, और ये रेशम बनाने की प्रक्रिया तेज हो रही है। यहाँ देखिए कितने साफ और कितने घने भिगोले बना चुके हैं, अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। तो कौन कहता है कि पहाड़ों में भी जो है काम नहीं होता है। आज की डेट में बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ पहाड़ों के ऊपर लग चुके हैं, और आगे आगे आपको दिखाता हूँ। तो इनके जो एक वो है हमारे पास ट्रे, ट्रे को हमने हमने एक जाल लेना है, जाली उठानी है, और जाली को हमने, अब जाल को हम उठाएंगे। ये पूरा जाल है, थोड़ा सफाई नहीं है इसकी, थोड़ा साफ करना पड़ेगा जाल। और साफ करने के बाद मैं आपको अभी फ़िलहाल ऐसे दिखा देता हूँ कि कैसे इस जाल को हमने इस ट्रे के ऊपर लगाना है। ये जाल है, इस जाल को हमने फोल्ड करना है, इस जाल को हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे रखना है, और फिर इसको हमने यूँ ऐसे करके यूँ पकड़ लेना है। पकड़ लिया, उसके बाद हमने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से ऐसे करना है, और ताकि ये ऐसे फोल्ड किया, ये आपका फोल्ड हो गया। इधर से जाल फोल्ड हो चुका है, और इधर से भी प्रक्रिया में दिखाता हूँ जाल फोल्ड करने की। ये हमने लिया मोर पंख की तरह, और ये हमारा जाल फोल्ड हो चुका है। ये फोल्ड होने के बाद हमने इसको दबाया, प्रेस किया, हल्का 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 प्रेस किया। प्लास्टिक नेट है, तो उसके बाद हमने इसको ऐसे उठाया और ऐसे ट्रे के ऊपर रख दिया। फिर हम ट्रे के ऊपर इसको यहाँ से बिठाते जाते हैं इस जाल को। अब देखेंगे, अभी मैं जाल पूरा बिछाऊंगा। अभी मैंने जाल पूरा बिछाया नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए यहीं तक था मेरा सफ़र। और आगे जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। और यहाँ पे आपको दिखाई रहा हूँ मैं।